बुलेट एक पहले ही इतनी ओवरवेट बाइक है तो इसमें 250 केजी तक का वेट तक का टायर डालना जरूरी है। हाय गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। गाइज, अभी तक आपने इस बाइक का रिव्यू तो देखा होगा। अक्सर यूट्यूबर या फिर लोग जो हैं, जब भी नया व्हीकल लेते हैं तो अपने व्हीकल का रिव्यू तो डालते हैं, पर वो कभी भी अपने टायरों पर ध्यान नहीं देते कि हमारा टायर कैसा है, किस प्रोफाइल का है, कितना लोड कैरी कर सकता है, कितने स्पीड तक हम इस टायर को ड्राइव कर सकते हैं, टायर में कितनी हवा रखनी चाहिए, कौन से ईयर में हमारा टायर मैन्युफैक्चर हुआ है। गाड़ी का तो मैन्युफैक्चर ईयर हम देख लेते हैं, बट ये नहीं देखते कि कौन से ईयर में हमारा टायर मैन्युफैक्चर हुआ है और कब किस ईयर में हमारा टायर जो है वह रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बुलेट में आखिर कौन सा टायर यूज किया होता है और जो हमारे टायर का प्रोफाइल है वह अदर टायरों की तरह भी है, तो उस पर लिखे हुए कोडिंग से नंबर का क्या मतलब होता है। तो आज कंप्लीट वीडियो जो है वो एक कंप्लीट डिटेल होने वाली है टायरों को लेकर के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया, आज हम कंप्लीट टायरों के डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये मेरी बाइक है और चलिए अब हम एक एक करके दोनों टायरों का रिव्यू देखते हैं कि किस टायर का कौन सा प्रोफाइल है और क्या डिटेल है। तो सबसे पहले फ्रंट व्हील से शुरू करते हैं। ये हमारा फ्रंट टायर है तो इस पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा राउंड करता हूँ। ये देखिए, जैसे ये डिटेल दिया हुआ है, मैं वीडियो को क्लियर करता हूँ। अगर ये जो ऐसा लिखा हुआ है थोड़ा सा अंदर की तरफ, तो इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग वीक, ईयर और सीरियल नंबर। ये वीक जो है ये 40, ये वीक होता है मतलब 40 वीक, और 2020 में 40 वीक में ये टायर मैन्युफैक्चर हुआ था और ये टायर मैन्युफैक्चर का सीरियल नंबर है। 14 वीक का मतलब हुआ अक्टूबर से लेकर के नवंबर, लास्ट अक्टूबर और स्टार्टिंग नवंबर में हमारे इस बाइक का टायर जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ 2020 में। थोड़ा सा और राउंड करते हैं तो ये नायलॉन का दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है इस नंबर से। ये भी एक सीरियल नंबर है जो कि जिस मशीन पे हमारा ये, जिस डाया पे हमारा ये टायर बना होगा उस डाया का सीरियल नंबर दिया हुआ है। इधर थोड़ा सा वेट वगैरह दिया हुआ है। मैक्सिमम लोड 212 केजी का दिखाया गया है, मतलब मैक्सिमम लोड जो है हम अपने इस टायर पे 212 केजी तक डाल सकते हैं। ये भी सच है कि बैक वाले टायर में ये लोड ज़्यादा होगा क्योंकि बैक वाले टायर पे ज़्यादा लोड पड़ता है। और ये 8225 kPa कोल्ड जो लिखा गया है, ये टायर का एयर प्रेशर है, मतलब इतने एयर प्रेशर पर 212 केजी तक का वेट हम टायर पर डाल सकते हैं। इस एयर प्रेशर को समझाने के लिए मैं एक प्रॉपर डिटेलिंग वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इस 8225 PA कोल्ड का मतलब क्या है। उसके बाद में ये MRF ISI वगैरह का मार्किंग दिया हुआ है, मेड इन इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, यह है सबसे मेन प्रोफाइल 3.25 का मतलब है टायर का विड्थ, जो कि इस प्रकार से होता है हमारे बाइक का। ये है टायर का विड्थ, ये हमारे बाइक का टायर का विड्थ है जो कि 3.25 यह इंच में दिया हुआ है, लेकिन यह mm में होता है जो कि 82.55 mm के पास में होता है। और जितना ही इस ट्यूब वाले टायर की विड्थ होता है उतना ही उसकी ऊंचाई होती है, तो ये भी 3.25 इंच ही है। ये इस 19 का मतलब है जो हमारे व्हील जो है, ये हमारा रिम व्हील है, तो ये रिम व्हील की जो टोटल जो लंबाई है या फिर इसकी हाइट कह सकते हैं, ये 19 इंच का है। इसके बाद 4PR का मतलब है वह 4-ply रेडियल टायर है हमारे टायर है। 54P का मतलब है, 54 का मतलब वही हो गया जो हमारा लोड बताया गया था 212 केजी का लोड। और P का मतलब है एक चार्ट होता है जिसको मैं वीडियो क्लास में डाल दूंगा, P का मतलब चार्ट होता है। इट मीन्स हम इस पर 212 केजी का लोड, और P का मतलब स्पीड होता है जो कि 150 के स्पीड ग्राउंड है, तो हम 212 केजी का लोड 150 की स्पीड तक इस टायर पे कैरी कर सकते हैं। और इस टायर पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इस टायर पे स्पीड, इसकी डिटेलिंग, कब मैन्युफैक्चर हुआ था, ये सारा कुछ हो गया। अब हम रियर टायर की ओर चलते हैं। अब हम बात करेंगे रियर टायर के प्रोफाइल को लेकर के। तो चलिए इस पर भी शुरू करते हैं हम अपने रियर टायर का। तो ये नॉर्मल वही 3.25 R19, मतलब 3.25 का मतलब विड्थ होता है, जो कि मैंने फ्रंट व्हील में दिखाया और रियल में भी 3.25 इंच में है, जिसको कि अगर हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो 82.55 mm के आसपास होता है। और इतना ही इसका ऊंचाई भी होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसलिए ट्यूब वाले टायर में अलग से कोई भी डिटेल ऊंचाई का नहीं दिया होता। -19 का मतलब है जो इसमें हमारा रिम लगा हुआ है स्टील रिम, यह 19 इंच का है। 60P का मतलब लोड से लेकर के है, 60 का मतलब लोड है, मतलब इस बाइक पर, इस बाइक के टायर पर हम 250
केजी तक का लोड जो है वो दे सकते हैं। और पी का मतलब वही स्पीड है, 150 की स्पीड तक मतलब 250 किलो और 150 की स्पीड तक ये टायर जो है सफिशेंट है। 6 का मतलब है, 6 पी का मतलब प्लाई और आर का मतलब रेडियल है, मतलब रियर वाला टायर जो है वो 6 प्लाई और रेडियल टायर है। टायर को थोड़ा और मूव करते हैं और डिटेलिंग को जानते हैं कि और इसमें क्या क्या डिटेलिंग दी है। ये नायलॉन ग्रिप प्लस ये कंपनी का कुछ है। उसके बाद यह मैन्युफैक्चरिंग ईयर और सीरियल नंबर, यह मैन्युफैक्चरिंग सीरियल नंबर है और यह ईयर है, यह ईयर है और ये वीक है। 40 का मतलब वीक, वही अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। और 20 का मतलब यह ईयर हुआ, मतलब ये टायर जो है 2020 में मैन्युफैक्चर हुआ था और हमने ये बाइक भी 2020 नवंबर में ही लिया था। मतलब मैन्युफैक्चरिंग टायर का और बाइक का दोनों मतलब आसपास का ही है। थोड़ा सा और राउंड करते हैं टायर पर और देखते हैं डिटेलिंग। यह नायलॉन, यह मशीन का सीरियल नंबर, जिस मशीन पर हमारा ये टायर बना होगा उस मशीन का सीरियल नंबर है। नेक्स्ट, मैक्सिमम लोड 250 केजी तक का हम इस बाइक पे दे सकते हैं, जो कि 80-280 केपीए कोल्ड, ये टायर का है जैसा मैंने बताया था, एयर प्रेशर का। ये 250 केजी जो लोड दिखाया गया है, यह बाइक प्लस में जो भी इस पे पैसेंजर राइडर होंगे उसको लेकर के दिखाया गया है 250 केजी। ये नहीं सिर्फ बाइक, बाइक का ये पूरा टोटल दिखाया गया है 250 केजी लोड तक ये ले सकता है। 280 वही एयर का है, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। 280 केपीए कोल्ड मतलब एयर पे यह 250 केजी तक का वेट जो है वो कैरी कर सकता है 150 की स्पीड तक। और आगे इसमें कुछ नहीं, MRF वगैरह दिया हुआ है। तो ये है हमारे बुलेट बाइक की टायर की फुल रिव्यू। और एक चीज़ और, किसी भी टायर का जो एक्सपायरी डेट है वह मैन्युफैक्चरिंग ईयर से 5 साल बाद का होता है। तो 5 साल बाद अपने बाइक का या फिर कार के टायर को मैन्युफैक्चरिंग डेट देकर चेंज जरूर कर दें, ताकि आपको ग्रिप, ब्रेकिंग सारे कुछ अच्छा मिले। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपने देखा किस तरीके से पूरे टायर का हमने अपने बाइक के दोनों टायरों का रिव्यू किया, पूरे डिटेलिंग डाला। बुलेट एक पहले ही इतनी ओवरवेट बाइक है, तो इसमें 250 केजी तक का वेट तक का टायर डालना ज़रूरी है, क्योंकि 250 केजी और प्लस में 250 केजी, 500 केजी तक का लोड ये टायर ले सकती हैं। और 200 केजी खुद बाइक का है, तो मतलब अगर 2-3 पिलियन बैठे तो नियर बाई उतना ही हो जाएगा। और स्पीड 150 तक का स्पीड दिखाया गया है, लेकिन स्पीड कभी भी 120 से ज़्यादा बुलेट बाइक नहीं जाती। और हाँ, जब भी टायर को चेंज करवाएँ तो प्रोफाइल प्लस में चले जाएं पर माइनस में ना जाएं। 250 केजी तक का वेट लोड कैपेसिटी है तो 260-270 पर चले जाएं, पर 240 पर कभी भी ना जाएं। अगर स्पीड 150 तक का है तो 170-160 तक तो आप चेंज करवा सकते हैं, बट 140-130 पर नहीं करवा सकते। अगर आप सोचते हैं कि मैं तो 110 या 80 पे ही चलाता हूं, तो मुझे तो 120 का भी टायर डलवा लूंगा, नहीं, वह 150 की स्पीड वाला टायर 110 या फिर 80 या फिर 50 की स्पीड पर भी जब आपकी बाइक चलती है तो भी वह काम करता है। इजेक्शन डेट का मैंने बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग ईयर से लेकर 5 साल बाद तक आपके टायर की वैलिडिटी होती है, उसके बाद टायर को चेंज करवा देना चाहिए। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी मैसेज के साथ कि अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं और बाइक चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। लास्ट में चार्ट भी डाल दूंगा मैं, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ताकि कभी भी आप अपने बाइक या व्हीकल का टायर चेंज कराएं तो उस चार्ट को देखकर ही चेंज करवाएं। तो धन्यवाद दोस्तों।